कह रही है कि कश्मीर में अमन है, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पर लेकर तो वो मारदार अभी भी चालू है। ऐसा है, मैंने कल भी बताया कि बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं जो हिंदुस्तान की इतनी बड़ी तरक्की को देखकर इसमें कुछ खलल डालने का प्रयास कर रहे हैं। वो लगातार चल रहा है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं चल रहा है। आप अभी जब COP20 की मीटिंग थी उसमें एक नारा चला, वन वर्ल्ड वन ग्रिड वन सन, लेकिन जब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोलने उठे तो उन्होंने कहा कि वन सन वन ग्रिड वन अर्थ और वन मोदी। इतना मोदी जी का नाम आज सारे विश्व में सारे वर्ल्ड में आज उसको एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर मानते हैं। कुछ ताकतें हैं सारे देश भर में, कुछ ताकतें हमारे पड़ोस में हैं जो हमारे दुश्मन हैं, वो नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान तरक्की करे, इसलिए वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ये उनकी क्रिएट की हुई प्रॉब्लम्स है जो अभी भी कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से पिछले कुछ महीनों में और पिछले दशकों से ये चल रही है, ख़त्म होने के ऊपर है, लेकिन वो ताकतें भी अपना जोर लगाती है। और बदकिस्मती ये है कि हमारे भी कुछ लोग उसमें से उनके साथ उनकी इमोशंस को उभार कर उनको इसमें डालती है। मुझे लगता है कि ये बहुत जल्द इसमें इसका खात्मा हो जाएगा और वो देश भी अब एलिमिनेट हो रहे हैं, वो देश भी अब अपने अंदर खात्मे के कगार पर है। मैं देशों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आज वो देश सारे एलिमिनेट हो गए हैं। इसलिए भारत और जम्मू कश्मीर आप देखेंगे कुछ समय में और तरक्की की ओर जाएगा। सर, आपने कहा था कि अभी हड़ताल वाले नहीं बचे, हड़ताल करने वाले नहीं बचे, लेकिन आपने देखा पिछली बार हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से कॉल आया था, उसका पूरा असर जो जम्मू कश्मीर में दिखा था, और आज भी सर किसी की कॉल नहीं और हड़ताल आज भी जारी है लाल चौक और डाउन टाउन एरियाज में। मैंने जो कहा कि कुछ ऐसी ताकतें हैं, कुछ ऐसे फोर्सेज हैं, वो अभी चुप नहीं बैठेंगे, थोड़ी और सख्ती होगी तो आज चुप बैठ जाएंगे, लेकिन अभी कुछ ताकतें हैं हमारे जम्मू कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर को विशेषकर कश्मीर को शांत नहीं होने दे रहे हैं। उन ताकतों को आइडेंटिफाई करके सरकार से हम ये निवेदन करेंगे कि उनको आइडेंटिफाई करके उनको बिहाइंड द बार्स करें तो हमारा ये जम्मू कश्मीर और विशेषकर कश्मीर ये अच्छाई की ओर जाएगा।